ग्राफ में क्या होता है, दो अक्ष होते हैं, इसको एक्स अक्ष कहा जाता है, एक्स अक्ष, और इसको वाई अक्ष। ये एक्स, ये वाला एक्स डैश, और ये वाई, और ये वाई डैश, है ना। ये हो गया मूल बिंदु, मूल बिंदु हो गया। अब उसके बाद किसी भी बहुपद का ग्राफ खींचा जाता है। तो ग्राफ खींचने के लिए अगर कोई रैखिक बहुपद है तो उसका एक सीधा ग्राफ होगा। तो रैखिक बहुपद का तो कितना हल होता है, एक हल होता है ना। अब यहाँ से ये एक्स अक्ष को एक जगह पे काट रहा है तो इस बहुपद का शून्य कितना होगा, एक होगा। ओके, अगर कोई कोई बहुपद है जिसका ग्राफ इस तरह से ना, तो इसका कितना होगा, दो होगा। एक यहाँ पे काट रहा है एक्स अक्ष को, और एक यहाँ पे काट रहा है ना। तो वाई अक्ष को काट रहा है कि नहीं काट रहा है उससे कोई मतलब नहीं, एक्स अक्ष को जितना बार काटेगा वही क्या होगा, उस बहुपद का शून्यकों की संख्या होगी। अगर एक जगह काटता है तो बहुपद के शून्यकों की संख्या एक, अगर एक से ज़्यादा जगह काटता है तो जितना जगह काटता है वो क्या हो जाएगा, उसके बहुपद के शून्यकों की संख्या। अब जैसे कोई बहुपद है इस तरह से ना, अब इसमें इस बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, चार होगी, क्योंकि एक यहाँ पे काट रहा है, एक यहाँ पे काट रहा है, एक यहाँ पे, और एक यहाँ, चार हो गया ना। उसी तरह से अब कोई बहुपद ये वाला है ना, इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, जीरो, क्योंकि एक्स अक्ष को ये काट ही नहीं रहा है, सिर्फ वाई अक्ष को काट रहा है। तो वाई अक्ष को काटे तो उससे कोई मतलब नहीं है, एक्स अक्ष को जितने बार काटे उतनी बार। अब यहाँ से एक आया, इसमें शून्यकों की संख्या दो, क्योंकि यहाँ पे दो जगह पे काट रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे काट रहा है, ऐसा। तो वो जो ग्राफ दिया हुआ है उसको देख करके देखना है कि एक्स अक्ष को कहाँ कहाँ काट रहा है ना, और जितना उसका संख्या होगा वही क्या होगा, उसके शून्यकों की संख्या बता देंगे पहला वाला को। इसी तरह से शून्यक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती हो तो ए का मान ज्ञात करें ना, शून्यक व्युत्क्रमानुपाती है, इसका शून्यक व्युत्क्रमानुपाती है। है तो ए बराबर कितना हो, है ना। अब व्युत्क्रमानुपाती है तो माना कि बहुपद के शून्यक अल्फा है, तो एक अल्फा है तो दूसरा कितना हो जाएगा, वन बाई अल्फा। मतलब व्युत्क्रमानुपाती का मतलब कि एक के बटा में, है ना। व्युत्क्रमानुपाती मतलब अगर किसी का 2/3 है तो दूसरा वाला कितना हो जाएगा, 3/2, इसी को व्युत्क्रमानुपाती कहा जाता है। तो यहाँ से एक अल्फा है, दूसरा 1/α है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, शून्यकों का गुना अल्फा इंटू बीटा ना, या शून्यकों का गुना लिखेंगे। शून्यकों का गुना कितना होता है, शून्यकों का गुना बराबर होता है सी बटा ए। तो शून्यकों का गुना कितना हो जाएगा, अल्फा गुने 1/α बराबर कितना, सी बटा ए। सी कितना, 9, 9/1 है, ए स्क्वायर प्लस 9। अब यहाँ से अल्फा कट जाएगा, कितना बचेगा, एक, तो एक बराबर 9/a² + 9। अब यहाँ से तिरछा गुना होगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 9 बराबर 9, 9 से 9 कट जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 0, तो ए बराबर भी 0। 4x² - 1 के शून्यक अल्फा बीटा है तो α² + β² का मान कितना होगा। ओके, तो यहाँ से सबसे पहले तो शून्यक निकालेंगे, तो 4x² - 1 तो ये हो जाएगा 2x² -
वन कैश करते हैं, हो जाएगा टू एक्स प्लस वन गुने टू एक्स माइनस वन। ओके, तो यहाँ से टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, टू एक्स बराबर माइनस वन, तो एक्स बराबर माइनस वन बाई टू, और यहाँ से टू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, और टू एक्स इक्वल टू वन, तो एक्स इक्वल टू वन बाई टू। ओके, अब यहाँ से एक अल्फ़ा आ गया, अल्फ़ा इक्वल टू माइनस वन बाई टू, और बीटा इक्वल टू वन बाई टू। ओके, तो एक तो ये हो गया, इससे बना सकते हैं। अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बताना है, तो अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, तो माइनस वन बाई टू का स्क्वायर प्लस वन बाई टू का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना, एक बटे चार प्लस एक बटे चार, ये हो जाएगा एक बटे चार, एक बटे चार कितना, दो बटे चार बराबर एक बटा दो। एक तो आ गया ये, दूसरा तरीका इसका है, यहाँ से क्या हो जाएगा, फोर एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो इसमें अगर इसका तुलना करेंगे किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो हमको ए बराबर कितना मिलेगा, ए बराबर चार, बी बराबर जीरो, और सी बराबर माइनस एक। ओके, अब यहाँ से हमको बताना है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो ये होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, यही ना। ओके, तो यहाँ से ए इक्वल टू कितना, अब इसका अगर कर देंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करेंगे, तो ए बराबर कितना मिलेगा, ए बराबर वन, बी बराबर भी वन, और सी बराबर भी वन। ओके, अब यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए कितना हो जाएगा, माइनस एक बटा एक बराबर माइनस एक, और अल्फ़ा गुने बीटा सी बटा ए कितना, तो एक बटा एक बराबर एक हो जाएगा, है ना। अब हमको बताना है कितना, वन बटे अल्फ़ा प्लस वन बटे बीटा का मान, तो वन बटे अल्फ़ा प्लस वन बटे बीटा, तिरछा गुना होगा, तो ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा बटा अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस तो ऊपर हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा बटा अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना आया, माइनस एक, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान एक, माइनस एक बटा एक बराबर माइनस एक, आंसर।